हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। SBI की तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आया है, जिसमें 1035 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। SBI की तरफ से बम्पर भर्ती जो निकल के आया है, इसमें आकर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, अभी किस तरह से एप्लीकेशन करना है, किस तरह से एप्लीकेशन आपको कर सकते हो, क्या और क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक जहां से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। SBI की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। एंड 31 जुलाई 2024 तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ SBI की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है ESO की रिक्रूटमेंट। ESO के अंदर बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है इस बार, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ESO की तरफ से, SBI की तरफ से ESO के अंदर सेंट्रल रिसर्च टीम, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर, VP वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टीम लीडर, रीजन हेड, इन्वेस्टमेंट स्पेशलाइज्ड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इन सारे पोस्ट के अंदर जो है वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी रखा गया है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आप लोग अगर बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए आप लोग कोई भी क्वालिफिकेशन लेके एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA, MA, इस तरह की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले तो आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज क्राइटेरिया बताया गया है, इसमें आप लोग 45 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। 45 इयर्स तक के कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको एज इलेक्शन भी मिल जाएगा। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST वालों को 5 ईयर एंड OBC वालों को 3 ईयर्स तक एज इलेक्शन मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा। SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 750 रुपीज़ जनरल वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको जमा करना होगा। बाकी कैंडिडेट SC ST OBC PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो, ओनली ऑन इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, ये सब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, सारे डॉक्यूमेंट लेके सही तरीके से फिलअप करके आपको भेजना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।